आज की वीडियो में एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9th हिंदी क्षितिज दो बैलों की कथा इस पूरे पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ शेयर करेंगे, समझेंगे। इस चैप्टर से दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। और हिंदी में हमारा जो फोकस है वो सिर्फ पास होना नहीं है, बल्कि 90 प्लस मार्क्स लाना है। तो पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। सिंपल सी बात है, हाजिरी क्यों ली जाती है? आपके स्कूलों में भी हाजिरी ली जाती है, कितने बच्चे आए हैं, कितने छुट्टी पर हैं, कौन सा बच्चा कहाँ गया है, हिसाब किताब रखने के लिए, है ना। तो भैया आप छुट्टी पे भी हैं तभी आपको बताना पड़ेगा कि आप छुट्टी पर हैं, तो एक हिसाब लगाया जा सकता है। सेम ऐसे ही पशुओं का भी होता है। अब यहाँ पे हम आंसर को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पशुओं की संख्या का पता लगाया जा सके। सबसे पहले संख्या का पता लगाया जाएगा, भाई कौन से जानवर कितने थे कल और आज कितने हो गए। हिसाब किताब रखा जाएगा, उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया, कुछ नए जानवर आ जाते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, तो कितने गए कितने आए, सब कुछ हिसाब रखा जाता है, इसीलिए हाजिरी ली जाती है। तो भैया इस सवाल को आपको ऐसे ही बना करके लिखना है, पूरे नंबर आपको ज़रूर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही मज़ेदार। एक गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी, और ये बच्ची थी भैरों की, है ना। तो छोटी सी जो बच्ची है भैरों की, उसको दोनों बैलों पर प्रेम क्यों उमड़ आया, भाई उसे प्यार हो गया दोनों बैलों के प्रति, तो रीज़न था। वो लड़की एक एक रोटियां दोनों बैलों को दे जाती थी, तो प्रेम क्यों उमड़ आया, ये सवाल है। तो इसका आंसर देखेंगे। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। देखिए, जैसी कंडीशन छोटी बच्ची की थी, वैसी कंडीशन यहाँ गया के घर में हीरा और मोती की थी। मतलब सेम कंडीशन थी छोटी बच्ची की और गया हीरा मोती की। तो जब अपनी जैसी कंडीशन हम दूसरों की देखते हैं, तो हम उन पर दया कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, छोटी बच्ची की माँ नहीं थी और हीरा और मोती का भी अपना मालिक नहीं था, ये गया सौतेला था। माँ के बिछुड़ जाने का दर्द वह जानती थी, इसलिए जब उसने देखा कि हीरा और मोती की सेम व्यथा है, सेम पीड़ा है, तो उसे भी प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि उसी की तरह ये भी अभागे हैं, अपने मालिक से दूर है। दूसरा, इन बैलों को भी चारा ठीक से नहीं दिया जाता था, इस छोटी सी बच्ची को भी भरपेट खाना नहीं मिलता था, इस छोटी सी बच्ची को भी मारा जाता था, और सेम ऐसे ही हीरा और मोती को भी गया मारता था। तो अपनी जैसी कंडीशन जब हम दूसरे की देखते हैं, तो हमें दया आ जाती है। ऐसे ही छोटी लड़की ने भी बैलों के प्रति अपनापन देखा, सेम कंडीशन है, तो उसे भी दया आ गई। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं। ये सवाल आ जाता है, कई बार आता है, ध्यान से समझें कि कहानी में ऐसी कौन सी अच्छी बातें, नीति बातें हैं, नीति विषयक, जो हमें अप्लाई करनी चाहिए और दोनों बैलों ने वो हमें सिखाया। देखिए, बहुत सारी बातें इस चैप्टर में आए, आपको 5-7 याद कर लेने हैं, और एग्ज़ाम में आप 3-4 लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले विपत्ति के समय हमें मित्र की सहायता करनी चाहिए। भैया जब हीरा फंसा तो मोती नहीं गया छोड़कर, और जब मोती फंसा तो हीरा छोड़कर नहीं भागा। तो मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त का साथ देना चाहिए, पहली बात। आज़ादी के लिए हमें हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। भाई दोनों बैलों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो गया के घर से आज़ादी हो, चाहे वो कांजी हाउस से आज़ादी हो, चाहे वो दड़ियल जो उन्हें नीलाम करके ले गया था। तो आज़ादी के लिए लड़ाई, संघर्ष हमें करना चाहिए, अपने समुदाय के लिए हितों का त्याग करना चाहिए, है ना भाई। अपने समुदाय के लिए, मतलब हीरा मोती एक दूसरे के लिए वो अपना निजी स्वार्थ भी भूल जाते थे, है ना। तो ये भी हमें इस आम तौर पे हमने देखा कि लोग, है ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं है। अगला है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए।
भाई हीरा और मोती ने भी बहुत बड़े कष्ट उठाए, गया के घर से भागे, फिर काजी हाउस से भागे, फिर दड़ियल के हाथ से छूटे, तो उन्होंने भी संघर्ष किया, है ना। तो आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती, ये हमें इस पार्ट से सीखा है। इसके अलावा बहुत सारी बातें, जैसे महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक, दूसरों का साथ देना चाहिए, दोस्ती कैसे निभाई जाती है वो भी हमने इस पार्ट में सीखा, किसी को मुसीबत में छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे हीरा और मोती जो है लड़की को छोड़ कर के नहीं भागे, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, मालिक के प्रति प्रेम और वफादारी ये भी हमने सीखा, जानवरों के प्रति इंसानियत हमें दिखानी चाहिए, तो ये भी हमने सीखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इनमें से दो चार चीज़ें लिखेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके एक नया अर्थ बताया। भाई आमतौर पर हम गधे को मूर्ख कह देते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने इस पाठ में गधे को मूर्ख नहीं बताया, बल्कि कुछ और बताया। भाई इसका स्वभाव, उसका नेचर कुछ ऐसा है, तो आइए ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, गधे की जो सहनशील है, बहुत सहनशील प्राणी है, ना मारता है, ना परेशान करता है, ना दाना पाने के लिए छटपटाता है, मतलब सहनशील है, सीधापन है, गुस्सा नहीं करता है, लाभ हानि सुख दुख समान रहता है। भैया उसे अच्छा खाना दे दो तब भी बल्ले बल्ले, सूखा भूसा दे दो तब भी बल्ले बल्ले, तो गधा जो है कभी नाराज होता हुआ नहीं देखा गया, है ना। तो भैया ऐसा ही गुण जो है किसमें होते हैं, संतों में होते हैं। अपने संत देखे होंगे, महात्मा लोग देखे होंगे, तो महात्मा लोग भी ना वो गुस्सा करते हैं, ना वो सुख दुख पे ज़्यादा दुखी होने पे रोते नहीं हैं, धन आ जाने पे ज़्यादा खुश नहीं हो जाते हैं, सहनशील होते हैं, सीधे होते हैं। तो जैसे गधे की क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी संत महात्माओं की भी है। तो गधे को मूर्ख नहीं बताया प्रेमचंद ने, बल्कि उसे संत बता दिया। तो कौन सा, जो अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता, मतलब सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता, भाई जो ज़्यादा सीधा हो जाता है, जो गुस्सा नहीं करता, जैसे साधु संतों का कोई सम्मान नहीं करता, ऐसे ही गधे को भी लोग बेवकूफ मानते हैं, जबकि गधे में बहुत सारी क्वालिटी होती है। अब आगे भाई ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अच्छा, प्रश्नों के आंसर लिखने का तरीका भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रश्नों को समझ लेते हैं, वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन सी सिचुएशन है जब हमें ये समझ में आया कि हीरा और मोती में पक्की दोस्ती थी, वो गहरे दोस्त थे। चलिए सबसे पहला, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी में बहुत सारे प्रसंग स्टोरी आती है। सबसे पहले दोनों एक दूसरे को चाट करके और सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे, है ना। भाई नॉर्मली चाटना सूंघना एक दूसरे को मतलब प्यार करना है, तो ये एक दूसरे की गहरी दोस्ती थी। हर कोई ऐसा जानवर सबके साथ नहीं करता, भाई जिसके साथ गहरी दोस्ती होगी उसी के साथ। अच्छा, जब ये दोनों हालिया बैल गाड़ी में जोते जाते तो यही मतलब समझते थे, यही चाहते थे कि ज़्यादा भार मेरे ऊपर हो, मेरे दोस्त के ऊपर कम हो। और हम इंसान क्या करते हैं, हमारे ऊपर कम हो हमारा दोस्त लद जाए। तो देखो हम इंसान कितने स्वार्थी हैं, लेकिन हीरा और मोती में पक्की दोस्ती थी, इसलिए वो कहते थे कि भैया ज़्यादा वज़न मेरे ऊपर आए, मेरे दोस्त में ज़्यादा वज़न ना रहे। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अपनी दोस्ती अपने दोस्त के साथ कैसे दोस्ती निभाई, आपकी कैसी दोस्ती है, मुझे कमेंट में इसका एग्जाम्पल ज़रूर देना। आगे देखोगे, नांद में खली भूसा पड़ जाने पर जो है एक साथ वो मुँह डालते थे और एक साथ हटाते थे, मतलब जितना एक खाएगा दूसरा भी उतना ही खाएगा, है ना। और हम क्या सोचते, भाई ज़्यादा मैं खा जाऊँ, ज़्यादा मुझे मिल जाए, लेकिन हीरा और मोती एक साथ मुँह डालते थे नांद में, एक साथ हटा देते थे, भैया दोस्त ही कर सकते हैं ऐसा, बाकी कोई नहीं। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर जो है हीरा को घेर लिया था, तो मोती हिरन निकल गया। भाई जो जब मटर के खेत में मोती फंस गया, हीरा निकल सकता था लेकिन हीरा निकला नहीं, बल्कि वो मोती के साथ फंस गया। ऐसी दोस्ती होती है, गहरी दोस्ती थी ना,
भाई मरेंगे तो दोनों साथ में, जिएंगे तो दोनों साथ में। इसके अलावा कांजी हाउस में जब दीवार टूटने पर हीरा ने भागने से मना कर दिया, तो भाई ऐसा एक बार मोती भाग सकता था लेकिन नहीं भागा हीरा के लिए, दूसरी बार हीरा भाग सकता था लेकिन मोती के लिए नहीं भागा। भाई पक्की दोस्ती है ना, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा और अपनी जान की परवाह नहीं करी। अच्छा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है या भूले जाते हो, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। भाई मोती कहता है, हीरा कहता है मोती को, देखो मोती कहता है कि मैं उस छोटी सी बच्ची जो है उसकी माँ को मार देता हूँ, तो फिर हीरा कहता नहीं भाई, लेकिन इंसान अपना धर्म भूल जाए, लेकिन हम जानवर हैं, हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए और स्त्री जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। इंसानों को देखो कितना जुर्म करते हैं स्त्रियों के ऊपर, कितना जुर्म करते हैं। अब कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि इंसान महिलाओं के ऊपर क्या क्या जुर्म करते हैं, कोई एक जुर्म आप ज़रूर कमेंट में रखेंगे, ताकि हमें ये लगे कि आपको चैप्टर भी समझ में आ रहा है और आपको इस वीडियो के आंसर भी क्लियर हो रहे हैं। तो प्रेमचंद का दृष्टिकोण हम बताएंगे, थोड़ा समय से और क्लियर कर देता हूँ, तब तक वीडियो को लाइक करके ज़रूर आना। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था पहले, है ना भाई, महिलाओं को दबाया जाता था, मारा जाता था, सताया जाता था, उन्हें शारीरिक कष्ट दिए जाते थे। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे महिलाओं को। हीरा और मोती ही भले इंसानों के प्रतीक हैं, लेकिन उनके माध्यम से सभ्य समाज पर भी लागू होते। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, लेकिन हीरा ने कहा कि भैया महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना, महिलाओं पे अत्याचार नहीं करना, महिलाओं पे सींग नहीं उठाना चाहिए। ये दृष्टिकोण है प्रेमचंद का कि भैया महिला सम्मान के योग्य हैं, ना कि उन्हें मारा जाए। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग वास करते हैं। अगला सवाल है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह, देखो पशु कौन है, हीरा मोती, मनुष्य क्या है, किसान कौन है, गया और झूरी। तो गया का हीरा मोती के साथ संबंध और झूरी का हीरा मोती के साथ संबंध, तो मतलब पशु और मनुष्य का क्या संबंध है किसान जीवन में, वो यहाँ पे, और ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखें। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य और पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। यह पशुओं का मालिक के प्रति और मालिक का पशुओं के प्रति एक अपनापन जरूर होना चाहिए, है ना भाई, क्योंकि हीरा मोती का काम झूरी के बिना नहीं चलेगा और झूरी का काम हीरा मोती के बिना नहीं चलेगा। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है, बैलों से इतना प्रेम करता है जैसे अपने बच्चों से, परिवार के सदस्यों से, और इसी प्रेम से बसीभूत होकर के हीरा मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर वो कहीं नहीं रहना और जाना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर मालिक हमसे एक्स्ट्रा काम भी करवाए तो हम करने को तैयार हैं। तो ये ही मालिक के प्रति जानवरों का, बैलों का, झूरी के छोड़ करके ये नहीं रहना चाहते। इससे स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा है, प्रेम पाने से वे भी प्रेम प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप पालतू पैट रखते हैं तो भैया जानवर भी बहुत प्यार करते हैं इंसानों से, है ना, और क्रोध और अपमान को वो सहन नहीं करते। जैसे कि गया के घर में जब गया ने उन्हें मारा पीटा तो सहन नहीं हुआ, इसका मतलब पशु भी प्रेम का हकदार है। आगे हैं, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता है, जब कांजीवस में मोती ने सारे जानवरों को मार मार करके दीवार तोड़ के सबको बाहर भगा दिया, हीरा ने कहा भाई तू भी चला जा, मोती ने कहा नहीं भाई मैं यहीं रहूँगा, मार खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, जो जानवर बाहर चले गए वो आशीर्वाद देंगे, कम से कम हम नहीं तो कोई और तो बच गया। इसका मतलब मोती के पास वो समझ है, परोपकार की भावना है, भले मेरा ना हो लेकिन दूसरों का फ़ायदा हो जाए, है ना। तो इंसान तो आजकल इस पुण्य का जो है वो नहीं ले पाता है। तो मोती के इस कथन से उसकी कुछ विशेषताएं उभर के आती है, जैसे वे
वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी विश्वास है कि इस कैद से उसे मुक्ति मिलेगी। भाई आशीर्वाद देंगे, जानवर आशीर्वाद देंगे तो उन हीरा मोती के लिए भी कुछ अच्छा सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे का मतलब ये है कि भैया हम कहते हैं कि तुम्हारा भला हो, तो क्या पता जानवर भी कहे तुम्हारा भला हो और हम कैद हैं लेकिन क्या पता छूट जाए। तो अभी भी आशावादी है, उसे लगता है कि हम छूट जाएंगे। वह स्वार्थी नहीं है, ठीक भैया अपने बारे में नहीं सोचना, स्वयं भागने के बजाय अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भगा देता है, भागने का मौका देता है ना। जब जान बचनी होती है तो हम तो सबको भूल जाते हैं, सबसे पहले खुद भागते हैं, लेकिन मोती ने ऐसा नहीं किया, मोती ने सबको भगाया, यानी कि वो स्वार्थी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और साथ में उसे परोपकार भी करना है, भाई दूसरों का फ़ायदा हो जाए, साथ में अगर हम पुण्य करते हैं परोपकार करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, ये भी उसके मन में है। आशय स्पष्ट कीजिए, और ये आशय भी आता है एग्ज़ाम में कई बार, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। किसमें? हीरा और मोती में ऐसी शक्ति थी जो इंसानों में भी नहीं है, है ना। और दूसरा है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती उनकी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। भाई छोटी बच्ची गया के घर में एक एक रोटी हीरा और मोती के खिला जाती थी, अब जानवरों के लिए एक रोटी क्या हो सकती है? पेट को भले पूरा भोजन नहीं लेकिन आत्मा तृप्त हो गई। कई बार हमें कुछ अच्छा मिल जाता है भले कम मिले, हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं आंसर पहले का। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, कहते नहीं, इशारों में ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते, यद्यपि मनुष्य स्वयं को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है फिर भी उसके पास ये शक्ति नहीं है। भाई इंसान तो बोलने के बाद भी सही नहीं मान पाता, कई बार समझाओ, अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो, यार मैं कितनी बार समझाया आपको लेकिन फिर भी नहीं समझे, मतलब इंसान को समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ बैलों को देखो, चुपचाप शांत होकर के इशारों ही इशारों में हीरा मोती की बात मान समझ जाता था और मोती हीरा की बातें समझ जाता था, जो इंसानों के पास भी ऐसा टैलेंट नहीं है। दूसरा है, हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे, गया ने उनके साथ अपमान और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, मारा पीटा, खूब काम लिया, खाना नहीं दिया, इसलिए वे क्षुब्ध यानी कि दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही सी लड़की आती है और एक रोटी, एक एक रोटी दोनों को दे देती है, उस एक रोटी से क्या पेट भरता हीरा का, क्या पेट भरता मोती का, लेकिन हाँ उनके हृदय, उनका जो है जो मन है वो बड़ा तृप्त हो जाता था। भाई कई बार प्यार से खिलाने पीना, बस सर पे हाथ फेर दो, इतना ही काफ़ी होता है। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो गए, पेट नहीं भरा लेकिन आत्मा तृप्त हो गई, मन तृप्त हो गया। तो आपके साथ भी कई बार ऐसे हुआ होगा, अपने प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करते रहे हमारे कमेंट में। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आपका स्कूल कौन सा है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? भाई पहली बार भी सूखा भूसा दिया, दूसरी बार भी सूखा भूसा दिया, आखिर क्यों? चार ऑप्शन है, गया पराए बैलों पर अधिक धन खर्च नहीं करना चाहता, ऐसा तो नहीं है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की नहीं थी, भाई गरीब तो था नहीं, अच्छा खासा पैसे वाला भी था, वहाँ हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, ये भी कह सकते हैं, या उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी, तो भैया सिंपल सी बात है, उसे जानकारी भी थी, ये भी गलत है, गरीबी भी नहीं थी, वह पैसा खर्च नहीं करना चाहता था ऐसा भी नहीं है, सिर्फ यही था कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, बहुत परेशान किया हीरा मोती ने, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें सूखा भूसा दूंगा, है ना। आगे रचना और अभिव्यक्ति को कुछ प्रश्न है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, शोषण हुआ कहाँ? गया के घर शोषण हुआ, कांजी हाउस में, तो आवाज़ उठाई, लड़े उसके लिए, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। भाई शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, गया के घर से भागे, कांजी हाउस में आवाज़ उठाई, लेकिन प्रताड़ना मिली, डंडे पड़े। हीरा और मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार दीजिए। कई बार आप भी आवाज़ उठाते हैं, कुछ गलत हो रहा होता है, आप आवाज़ उठाते हैं और इसके लिए पनिशमेंट आपको ही मिलती है, तो क्या हम आवाज़ उठाना बंद कर दें?
कि हम गलत का साथ दे दें। नहीं, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, है ना भाई, विरोध किया सूखी रोटियां मिले डंडे मिले। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़ गए, वहाँ भी डंडे खाए, मोटी मोटी रस्सी से बांधी। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ, शोषित का भय को भय और यात्रा के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर आप चुपचाप सहन कर लोगे, आपकी गली में, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई आपको परेशान करे और आप चुपचाप सह रहे हो तो आप जुर्म कर रहे हो। आवाज़ उठाइए, कोई बात नहीं, आप परेशान रहेंगे लेकिन आवाज़ उठाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने सम्मानजनक जीवन जिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? बिल्कुल, प्रेमचंद ने आज़ादी की लड़ाई के लिए ही और आज़ादी पाने के लिए ही यह पाठ लिखा है। प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व के लेखक हैं, उनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। दो बैलों की कथा कहानी में इसे ये कहानी भी अछूती नहीं रही, इसमें भी स्वतंत्रता आंदोलन दिखाया है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं। वह गुलामी में रहोगे, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता बंधन में। वे स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनो विचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज आसानी से नहीं मिलती, स्वतंत्रता आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हीरा और मोती ने संघर्ष किया गया से, संघर्ष किया कांजी हाउस से, संघर्ष किया उस दड़ियल से जो इन दोनों बैलों को कांजी हाउस से खरीद के ले गया था। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ यानी कि गुस्सा विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार दोनों बैलों का गया के प्रति आक्रोश, साथ में कांजी हाउस के प्रति, तो यह कहानी जो आज़ादी की भावना से जुड़ी है। तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा, इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुके होंगे, आप इन्हें नोट डाउन भी कर लीजिए। साथ में एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी सवाल आए तो आप पूरी स्टोरी आप समझ चुके हो, बस कोई भी आंसर आपको छोड़ना नहीं है, और इससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना बना करके आंसर लिख लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलते हैं। बस राइटिंग का जरूर ध्यान रखें, कुछ और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक इन जगह से जुड़ेंगे तो हमें फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको सारी नई अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, आप किस टॉपिक, किस पार्ट पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, चाहे तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।